गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी का समय चल रहा है और इस बार कोरोना पहले से बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप में है, इसलिए सावधानी रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, घर के आसपास घर में साफ सफाई रखें और एक दूसरे से दूर रहें, घर में रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी एयरगन को काफ़ी चला लिया था, लगभग 4000 शॉट चला लिए थे और मैंने उसकी बैरल को साफ़ नहीं किया था, तो जिसकी वजह से एक्यूरेसी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। थोड़ी क्या, ख़राब ही थी, मतलब थोड़ी बहुत ही थी। तो आज मैंने जब उसको साफ करने से पहले राइफलिंग चेक करने के लिए एक पैलेट निकाला तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसमें बहुत सारा कार्बन या कुछ कचड़ा टाइप का ब्लैक ब्लैक लगा हुआ था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वो पैलेट है, ये वो वाला पैलेट है जो पहले मैंने निकाला था। थोड़ा मेरा मोबाइल उतना अच्छा नहीं है, जूम नहीं कर पा रहा है अच्छे से। हाँ, अब फोकस हो गया, आप देख सकते हैं इस पर कुछ ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा। जैना की राइफलिंग अच्छी नहीं है पर पैलेट रोटेट करता है, ये मुझे पता चल गया है तार के माध्यम से। आप देख सकते हैं इस पर कितना काला काला कचरा सा लगा हुआ है। देखो, मैं आपको उसको साफ करके दिखा रहा हूँ हाथ से। देखिए, मेरे हाथ में लग गया है अब काफ़ी ज़्यादा, आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिए। तो ये उसकी बैरल में निकला है, ये ब्लैक ब्लैक कुछ कार्बन टाइप का जमा हो गया था उसमें। तो फिर मैंने उसको कॉटन से, जैसे फुल थ्रू बोलते हैं, फुल थ्रू के माध्यम से साफ किया, बैरल को क्लीन किया। उसके बाद फिर से राइफलिंग पैलेट निकाला तो उसके बाद पैलेट एकदम क्लीन आया है। आप देख सकते हैं, ये जी स्मिथ का हाइपर इम्पैक्ट है, पैलेट है, एकदम क्लियर आया है। और राइफलिंग है, ऐसा नहीं है, लेकिन आर्मर और प्रेसी हॉल की जो राइफलिंग है उतनी अच्छी राइफलिंग नहीं कह सकते जैना की, लेकिन जैना बहुत ही आर्मर से तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत अच्छी एक्यूरेट और पावरफुल एयरगन है। इसमें राइफल के कुछ मार्क्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसके बाद मैंने 50 मीटर पर शॉट लिए तो बड़े अच्छे हिट हुए। मुझे भी ताज्जुब हुआ, अचंभा हुआ कि एक्यूरेसी पर बैरल में अगर कचरा जमा हो तो बहुत असर पड़ता है, क्योंकि इससे पहले इसी पैलेट से 50 मीटर पर शॉट नहीं लग रहा था और जब क्लीन कर ली बैरल को तो उसके बाद 50 मीटर पर शॉट आए हैं। और बैरल अब मैंने बिल्कुल कॉटन के माध्यम से, सूखे कॉटन के माध्यम से साफ़ किया है, कोई लिक्विड, ऑयल, डीजल, पेट्रोल कुछ भी नहीं। गलती से भी बैरल में किसी प्रकार का कोई लिक्विड ना डालें, इससे एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बैरल में डस्ट जमा होती है। बैरल को सूखे कपड़े के माध्यम से ही साफ़ करें, वो भी कॉटन का कपड़ा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा कपड़ा लगा दें जो बैरल में फंस जाए, तो फिर निकालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और निकालते समय बैरल में डेंट बनेंगे। इसलिए उतना कपड़ा लगाएं जितना आराम से निकल जाए, थोड़ा सा टाइट हो लेकिन निकल जाए पूरी तरह से बैरल में, रुके नहीं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कई बार फुल थ्रू लगाएं जिससे बैरल एकदम साफ़ और चिकनी हो जाए।
उसमें शीशे जैसा दिखना चाहिए। अंदर से जब देखते हैं तो सामने जो टारगेट जो भी चीज़ दिखती है सामने, वो बैरल में उसकी परछाई बननी चाहिए, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी गन की। और गन में किसी प्रकार का ऑयल लुब्रिकेंट नहीं जाना चाहिए बैरल में, गन में सॉरी बैरल में किसी प्रकार का लुब्रिकेंट नहीं जाना चाहिए। तो आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। कोरोना महामारी के इस समय पर घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और साफ सफाई रखें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। इस बार की शादियों में प्लीज़ ना जाएं, क्योंकि इस बार कोरोना बहुत भयंकर फैल चुका है। मेरे ही थाने में 4-5 लोग पॉजिटिव हैं और मेरा तो दो दो पड़ोसी पॉजिटिव हैं, जिनके कमरा जिनके क्वार्टर और मेरे क्वार्टर साथ में ही हैं। तो इस समय में आपको बचकर रहने की, बहुत ज़्यादा सावधानी से रहने की ज़रूरत है। घर पर ही रहें और एयरगन से प्लिंकिंग वगैरह घर पर ही करें, कहीं बाहर ना जाएं। कम से कम कोशिश करें कम से कम निकलना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद।